क्या कह रहे हैं आप? नाम क्या है आपका? हम हैं असली नैनसुख, जिसका सामान और ज्ञान दोनों चुराकर महल में आ बैठा है। ये आंखों की गुस्ताखिया माफ हो। ये हमारा सामान और ज्ञान अपना बताने वाले झूठे हैं। मन की आंखें दूर तक झांकें। झूठ तो आप बोल रहे हैं, आप हैं झूठे, आप हैं फ्रेबी। आंखों की गुस्ताखिया माफ हो। अगर आप असली नैनसुख हैं और ये नैनसुख चोर हैं, तो आप भी हमें वो सारे अद्भुत प्रयोग करके बताइए जो इन्होंने हमें बताए। ये लीजिए जहांपना, और इस पे बैठ के अपने सपनों की उड़ान भरिए। इस उड़न खटोले पे बैठकर आप विश्व विजेता बन जाएंगे। आसमान से दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं आप। ये देखिए इसे। दूसरा भी है। हमें ये बताइए कि शतरंज की बिसात पे शतरंज की मोहरें चिपकी कैसे रह सकती हैं? चुंबक से। जहां पना, हमें ये सफेद झूठ बोलने वाले कोई माहिर झूठा लगता है। अगर ये सच कह रहे हैं तो इनसे पूछिए वो बारूद का गोला कहाँ है। ये देखिए बारूद का गोला। इन्होंने जो आपको दिया था वो नकली था। ये लीजिए जहांपना। रुके रुके, ये राजा दरबारी से लीजिए। जी जहांपना। तो ये भी वैसा का वैसा रहा है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। देखिए, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि आप में से असली कौन है और नकली कौन है, तब तक आप दोनों में से कोई भी हमारा महल छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। कि आप में से जो भी नकली है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। जहां पना, आप इस बारूद के गोलों को बहुत खुफिया जगह पे रखना। दुश्मनों की बुरी नजर है इस गोले पर। संभाल के तो हम रखेंगे। ये लाइए। इसे भी हम अपने खुफिया कमरे में ही रखेंगे। लेकिन इस बार चोरी का कोई डर नहीं, क्योंकि बीरबल पहले से ही कैद खाने में है। अनुकल, अरे क्या हुआ हमारी खूबसूरत अनारकली को? ऐसे चेहरा क्यों लटकाया हुआ है? हम आपके लिए एक फौलादी तोपा लाए हैं, जिसे देखकर आपका चेहरा खिल जाएगा। हुई अम्मा, हुफी अम्मा, हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए, रखिए अपने पास। अरे लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं अनारकली? शाही खून है हम। इसीलिए कह रहे हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं। आज भरे दरबार में वो जलील नैनसुख और नैनसुख द्वितीय। आँख मारी। अरे आपको नहीं, उन दोनों ने हमें आँख मारी। पर आपने तो इतनी भी जहमत नहीं की कि उनकी ये हरकतों को कैसे रोका जाए। अरे अनारकली, आप हम पे ये इल्जाम मत लगाइए। बेचारे, उन दोनों को अल्लाह ताला ने आंखों की रोशनी तक नहीं दी, फिर हम उन दोनों की हरकतों को कैसे बदसलूकी समझे, बताइए।
हमें तो शक है कि वो दोनों अंधे भी नहीं हैं। क्या? तो ठीक है, हम भी आपसे वादा करते हैं कि शाही खून है हम, और हम हकीकत का पता लगा के रहेंगे। जहां बना आप है ना, रहने दीजिए। आपको हम 25 साल से जानते हैं, आपसे नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, बीरबल से मदद ले लीजिए। नहीं, हरगिज नहीं रानी साहिबा। बीरबल ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बिना हम कुछ है ही नहीं। लेकिन हम साबित कर देंगे कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इसका पता हम उनके बिना ही लगा सकते हैं। जहां बना कीजिए, जहां बना। बीरबल जी ने आपके लिए कैदखाने से एक पत्र भेजा है। जहां बना प्रणाम, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम कैद खाने से ही असली नैन सुख का पता लगा लेंगे। जा बना, हमसे गलती हो गई है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। जाइए आप, माफ कर दीजिए। जहां बना, ये क्या है? अगर बीरबल आपकी मदद करना चाह रहे हैं तो मदद लेने में हर्जी क्या है? ये सारा मामला ना ईद से पहले निपटा दीजिए। जहां बना की जय हो। अरे वाह, लाइए लाइए लाइए, रख दीजिए। चलिए जाइए आप, जाइए जाइए। जहां अपना साथ में बैठकर आम खाते, आप भी दो चार खा सकते हैं, वरना कहेंगे कि रानी साहिबा ने तो हमसे पूछा ही नहीं। नहीं 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 रानी साहिबा, ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे। आप खाइए 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 और अपना मोटापा बढ़ाइए। मोटापा? हाँ मोटापा, आप देखते जाइए जहां अपना, कुछ ही दिनों में हम पतले हो जाएंगे। नैनसुख जी ने हमें ऐसा यंत्र देने का वादा किया है जिससे हम एकदम पतले हो जाएंगे और पहले वाली जोधा हो जाएंगे। जवानी के दिनों की जोधा अनारकली भी हमारे तराशे हुए हुस्न के सामने फीकी पड़ जाएगी। अगर पुराना नैनसुख अंधा है तो वो सांप के ऊपर से निकल जाएगा, अगर वो नहीं है तो बराबर सांप से बच के उससे डर के निकलेगा। शाही खून है हम। नैनसुख जी, आप यहाँ टहल रहे हो? हमने पूरे महल में आपको ढूंढा, हमारे पतले होने का यंत्र बनाया कि नहीं आपने? जी रानी साहिबा, हम आपको ही बुलाने आ रहे थे। आइए हम आपको यंत्र दिखाते हैं। चलिए, मन की आंखें दूर तक झांकें। चलिए रानी साहिबा। अच्छा चलिए 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 चलिए, यहाँ चलिए यहाँ। क्या है ये रास्ते में पड़ा सामान? आंखों की गुस्ताखिया। वासु, इसने तो हमारा नकली सांप अपने झोले में डाल लिया। इसका मतलब ये अंधा है। अब हम इससे अपना पुराना नकली सांप वापस लेंगे और पहले वाले नैनसुख के रास्ते में दोबारा रखेंगे और पता लगाएंगे कि वो अंधा है या नहीं। जापना आप, जापना कीजिए। कैसे हैं बीरबल आप? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे मुलाकात कभी हमें यहाँ आकर करनी होगी। जापन आप, हमें माफ कीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। खैर अब छोड़िए इन बातों को। आपने हमें संदेशा भेजा था कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं पता करने में कि असली नैनसुख कौन है। जी जापन, हम आपको ये पता करके बता सकते हैं कि असली नैनसुख कौन है और नकली कौन।
लेकिन इसके लिए आपको दोनों नयनसुख जो हैं, उन्हें हमारे साथ इस कैद खाने में बंद करना होगा। यहाँ इस कैद खाने में? जी जाओ। ठीक है, आप चाहते हैं तो उन्हें मेहमान बनाकर हम यहाँ पर भेज देंगे। किस काम में व्यस्त है नैनसुख जी तुतिये? शहजादे सलीम अपने नए प्रयोग में लगे हैं। ये देखिए, हमें ये बाहर से मिला है, रास्ते में पड़ा था ये देखिए। अरे ये रास्ते में पड़ा वड़ा छोड़ी है, ये काला सेब कब से आ गया? मस्त है। क्या काला सेब? अरे वो काला सेब नहीं, वो बारूद है। कहीं तुमने से खाया तो नहीं? अभी खाया नहीं है, अभी तो काटा है, अब खाऊंगा। भागो शहजादे सलीम, काटने के बाद ये बारूद फट जाता है। भागो भागो। एक लंबी सी सांस लीजिए, हाथ ऊपर उठाइए, छोड़िए। अरे हाथ नहीं, सांस छोड़िए। देखिए, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ। इस बिरबल जी को कोई चिंता नहीं है। ईद से पहले इनमें से हमें झूठे को पकड़ना है और सच्चा जो है वो आपको विश्व विजेता बनाएगा। वो ही आपको उड़न खटोला देगा ईद पे, कोई शक? बिरबल, अरे जापना कीजिए। बिरबल, ये क्या हो रहा है? योग वो हमें दिखाई दे रहा है, क्यों हो रहा है ये? जहाँ पर हम आप ही का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है इन दोनों से योग करा के आप पता करेंगे कि इनमें से असली कौन है और नकली कौन है? वाह वाह, जहाँ पर हम पर भरोसा रखिए। देखिए, कृपा करके आप हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। जी देखिए, अब तक घमंड नहीं गया इनका, सिर्फ समय की बर्बादी कर रहे हैं और कुछ नहीं। कोई शक? जापना, आप एक काम कीजिए, जो नैनसुख द्वितीय ने आपको बारूद का गोला दिया है, आप जाकर देखिए कि वो सही सलामत है या नहीं। बारूद का गोला फिर से चोरी हो गया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है ये? बीरबल तो कैद खाने में है और हमारे और बीरबल के अलावा इस जगह के बारे में कोई जानता भी नहीं है, फिर कैसे? बीरबल, नए नैनसुख जी के दिए हुए बारूद के गोले के चोरी होने के बाद ये बात तो साबित हो गई कि हमारे और आपके अलावा कोई और है जो हमारे इस खुफिया कमरे के बारे में जानता है। इसका मतलब ये जा पाना कि अगर हम कैद खाने में नहीं जाते तो शक की सुई सीधा कर हम पर अटक जाती। मतलब बीरबल, आपने झूठा इल्जाम अपने सर पे ले लिया ताकि आप बेगुनाह साबित हो सके। वाह वाह, क्या नायाब तरीका ढूंढा है आपने बीरबल, वाह। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था जापर। बीरबल, लेकिन सवाल वही है, ये बारूद का गोला चुराया किसने? कौन हो सकता है वो? चोर कोई नहीं है जापर, क्योंकि बारूद का गोला चोरी हुआ ही नहीं, वो तो हवा में भाप बनकर उड़ गया। बारूद का गोला चोरी हुआ ही नहीं,
वो तो हवा में भाप बनकर उड़ गया। लेकिन फिर भी बीरबल ये मुमकिन कैसे है, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। हम समझाते हैं जापना, वो गोला जो है वो मोम का बना हुआ था, उस पर एक ऐसा रसायन लगाया गया था जिससे वो मोम का गोला पिघल कर हवा में घुल जाए। इस बात का पता हमें तब चला जब हम असली नैन सुख से मिले। बीरबल जी हम सच कह रहे हैं, वो उड़न खटोला हमने बनाया है, झूठ बोल रहा है वो आदमी। इस बात का क्या सबूत है आपके पास? सबूत तो नहीं है, लेकिन वो सारा सामान हमने दोबारा बनाया जो वो हमसे चोरी करके गया है, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ यहाँ ये देखिए, इसके अंदर चुंबक चिपका है इसलिए गिर नहीं रहा है। और वो बारूद का गोला, वो दोबारा नहीं बनाया आपने? नहीं, हमने कभी कोई गोला नहीं बनाया। कमाल की बात है, आपने कोई बारूद का गोला नहीं बनाया, फिर भी वो जापना को भेंट कर दिया गया और अचानक हवा में गायब हो गया, न जाने कैसे, और शक की सुई आकर अटकी हम पर। क्या 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 क्या, गोला गायब हो गया हवा में? अच्छा, जहाँ वो गोला था वहाँ मोम पड़ा था? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि वहाँ मोम पड़ा? बीरबल जी, वो मोम का गोला था, हमने एक ऐसा रसायन बनाया है जो अगर मोम पे डाल दिया जाए तो मोम भाप बन के उड़ जाएगा। उसने हमारा रसायन भी चोरी कर लिया, छोटा रसायन जिसे अगर मोम पर डाला जाए तो मोम भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। दरअसल नैनसुख चाहते थे जापना के गोला गायब होने पर आप हम पर शक करें, आप हमसे दूर हो जाएं ताकि ये अपना खेल खेल सके। इसके बाद हमने अपना खेल खेला जापना, जिससे सच्चाई सबके सामने आ सके। असली नैनसुख का गोला भी हवा में भाप बन के उड़ गया जापना। ये जो पुराने नैनसुख हैं, ये धोखेबाज हैं। तो आइए देखते हैं इस नकली नैनसुख का असली चेहरा। कहां जा रहे हैं आप? ईद कुछ ही दिनों में है अकबर, अकबर ईद के दिन ना तू बचेगा ना ये बीरबल। तो राम खान, ले जाओ अकबर, ईद के दिन कोई नहीं बचेगा, ले जाओ। बीरबल आप जरा यहाँ आइए, आइए आइए यहाँ आइए। बीरबल, एक बार फिर हमें कहना पड़ेगा कि आपका कोई जवाब नहीं, मतलब लाजवाब हैं आप। ये सब तो ठीक है जापना, जापना अब हमें पता करने वाला यंत्र कौन बना के देगा? रानी साहिबा, आप कहाँ इन चीजों की चिंता कर रही हैं, आप जैसी हैं वैसी ही हमें पसंद है। सब जानते हैं जापना, ये अनारकली बच गई ना इसलिए आप इतना खुश है, है ना? है ना? है ना? वो तो है। क्या? नहीं नहीं वो नहीं। हाँ नहीं नहीं ना, मतलब बीरबल